अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई नौकरी है मेरे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल है, तुम चाहो तो कल से आ सकती हो। नहीं, पहले नोमी मिल जाए मुझे, फिर मैं कोई काम शुरू करूंगी। अगली बार मैं तुम्हें दूसरा फार्मूला दूंगा, केमिकल रिएक्शन वाला दवा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? उनके बेटे को उन्हें वापस देना होगा। मुझे नहीं चाहिए कोई भी भीख में दी हुई नौकरी जिसके बाद मुझे जलील होना पड़े। अगर मेरे नसीब में दर दर की ठोकरे ही लिखी है ना, तो मैं किसी और के दर के ठोकरे खा लूंगी। मुझे नहीं आना वहां पर। तुम नहीं समझोगे मेहताब, वो जिस कर्ज के साथ मुझे अपना दर्द सुना के कही है, वो अल्फाज मुझे चैन से सुनने नहीं देते। मेरा बच्चा कहां से? यानुमी कहां से मिला ये? अरे खुदा को शुक्र है ये इन भाई साहब को मिल गया। आइसक्रीम खाने गए थे, पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? मैंने कोई नहीं खाई आइसक्रीम। अच्छा, फिर ये अंकल क्यों कह रहे हैं कि आप आइसक्रीम खाने गए थे? आपको कैसे पता चला कि आइसक्रीम खा रहा था? जी सलमान भाई, मुझे तो नादिर भाई ने बताया कि नोमी ने खुद उनको बताया कि वो आइसक्रीम खाने घर से बाहर निकला था। उसने नादिर भाई को बताया तो नादिर भाई ने मुझे बताया। क्यों नादिर भाई, बताएं इनको आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बच्चे ने खुद मुझे बताया था। अरे तो आप क्यों छोटी सी बात पे नोमी पे भड़क रहे हैं? शुक्र करें वो घर लौट आया है। अब मैं तुम्हें घर से बाहर कदम भी रखने नहीं दूंगी, जान निकाल दी तुमने मेरी। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। आए नादिर भाई, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी जी चलिए। और हाँ नफीस साहब, वैसे भी माशाल्लाह से अब नौमी घर वापस लौट आया है, तो ऐसा करो तुम कल से नौकरी पे आ जाओ। बल्कि काम करता हूँ ना, कल मैं तुम्हें खुद अपने साथ ले जाऊँगा, इसी बहाने तुम्हें फैक्ट्री का रास्ता भी मालूम हो जाएगा। ठीक है ठीक है सलमान भाई, हमें इजाजत है, चले। जी चले। मैं अपने घर के सारे दुख गम छोड़ के आई हूँ, सिर्फ इस दुख को खत्म करने की मेरी नौकरी खतरे में। बस अब यहाँ से तुम चली जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं कोई और इल्जाम लगा के तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। खुदा की कसम, अगर मुझे ये हिदायत ना मिली होती ना कि फौरन बद्दुआ देते, तो मैं आपको बद्दुआ देती कि आप एक जिंदा लाश की तरह बने हुए। अरे मुझे यकीन है कि आप एक ज़हनी मरीज हैं, और आपको ना इस ज़माने वालों ने ज़हनी मरीज बनाया हुआ है, जिसका बदला आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे ले रहे हैं। मुझ पे जितना भी बड़ा जुल्म हो, लेकिन मैं एक ज़हनी मरीज नहीं बनी हूं। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि मेरा दुख आपके दुख से बहुत बड़ा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं शाइस्ता बाजी? वो नफीसा, नवाजुद्दीन साहब अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हैं, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो अपने बहू और बेटे की वजह से काफ़ी परेशान हैं, वो तो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारे घर पे भी आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। नहीं नहीं
उनको घर आने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत शर्मिंदा है। मेरी एक बात मानो, उन्हें माफ कर दो, वो बहुत परेशान है। मैंने उनको माफ किया, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है शायस्ता। तो तुम्हें क्या मसला है, करने दो उसे तुम्हारी मदद। किसी की जरूरत नहीं थी आज से पहले मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर घुसने की, और वो बेधड़क हमारे घर में घुसता है। मकान खरीद लिया तो क्या, मुरम्मत के बहाने रोज घर में आने की कोशिश करता है। कल को वो इन एहसानात के बदले हमारे घर के फैसले अपने हाथ में ले लेगा। आप बताएं भाभी, अगर मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? चाय। कैसे सो रहा है नोमी? जैसे काफी अरसा हुआ इसने नींद पूरी नहीं की अपनी। शुक्र है वो खुदा तरस इंसान था। नोमी बता रहा था कि इसका बहुत ख्याल रखता था वो। हैरत है कि आजकल के दौर में ऐसे लोग अभी भी बाकी हैं। हम तो महबूब अहमद पे शक कर रहे थे, देखो नोमी को ढूंढने में कितनी मदद की हमारी। तुम एक काम करो, महबूब को फोन करके मना कर दो कि सुबह तुम्हें लेने ना आए। तुम्हें ओल्ड हाउस की नौकरी ही करनी चाहिए। नहीं, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसको फोन करके मना करूं। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हम उसके एहसानों तले दब गए? तो एहसान ही तो किया है उसने हम पे। हाँ है उसके एहसान, उसने जो कुछ किया वो करने के लिए हमारे पास कोई और था भी नहीं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब उसकी नौकरी नहीं करनी चाहिए। अब आपको इतनी हया आ रही है, और पैसे लेते वक्त आपने कुछ भी नहीं सोचा? मैं उससे पैसे ले नहीं रहा था, वो मुझे जबरदस्ती दे रहा था, फिर ऊपर से तुम आ गई। मैं तुम्हारे सामने वो पैसे छुपाना चाहता था, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाया। ये ठीक है कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मगर अब मुझे बहुत अजीब लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में आजादाना घूमने फिरने का उसे लाइसेंस मिल गया। देखो अगर सिर्फ वो तुम्हारा कजन होता तो और बात थी, वो तुम्हारा सबका मंगेतर भी रह चुका है, फिर 2-3 साल तुम्हारी मंगनी भी रही। सलमान, इस बात को 13 साल गुजर चुके हैं। 13 बरस बाद तुम उससे बहस करना सीख गई हो नफीसा, कुछ अंदाजा है तुम्हें इस बात का? बस मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता, तुम अभी उसे फोन करो और मना करो। आपके पास भी फोन है, नंबर है, बैलेंस है, आप खुद कॉल क्यों नहीं कर लेते? जी महबूब भाई, सब खैरियत है। आपको बताना ये था कि नफीसा के ओल्ड हाउस से उसके अफसर लोग आए थे हमारे घर, नफीसा जो नौकरी छोड़ कर आई थी उसे वापस देने के लिए। तो बताना ये चाह रहा था कि नफीसा कल से वापस उसी नौकरी पे जा रही है, कहीं आप गलती से उसे लेने आ जाएं और आपको जहमत ना होना आने की, तो मैंने कहा आपको पहले बता दूं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। ठीक है, फिर बात होगी आपसे। खुदा हाफिज। इस वक्त कौन है? 2 बज रहे हैं। तिजोरी कहां पर है बताओ जल्दी वरना गोली मार दूंगा। नहीं बताएंगे, जल्दी बोल। चल कौन हो तुम लोग? चुपचाप लेटा रहे वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बता घर में और कौन कौन रहता है? और कोई नहीं है घर में। आगे बढ़ और अलमारी खोल। नहीं, तिजोरी तो तेरी खोपड़ी खोल कर भी मैं लूट कर ले जाऊंगा। बेहतर यह होगा कि अपनी बकवास बंद रख। चलो दूसरे कमरे में एक बच्चा सो रहा है और ये लोग कह रहे थे घर में कोई नहीं है। कहीं ऐसा ना हो दूसरे कमरे में और भी कोई हो। क्या बकवास कर रही थी? हमारे अलावा घर में कोई भी नहीं है। उड़ाऊं तेरी खोपड़ी। वो तो 8 साल का छोटा सा बच्चा है, वो तो चुपचाप सो रहा है। सच सच बता घर में कौन कौन है? मुझे मेरे बच्चे की कसम और कोई नहीं है इस घर में। इधर बैठ जाओ। कदर बैठा, बैग पकड़ मेरे साथ चल और चुपचाप बैठ ही रहियो। हिलियो नहीं यहां से, मैं अभी आ रहा हूं। तमन्ना, सामने अलमारी में मेरा पिस्तौल पड़ा है, तुम लाके दो मुझे। क्या पिस्तौल? नहीं शाकिर, नहीं। बकवास ना कर, इस तमाम सोना लूट के ले जाएंगे। पिस्तौल लाके दे मुझे। तुम्हारे तो हाथ भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। जब पिस्तौल निकाल के दे तो बन्ना, मेरा लाखों का कैश और जेवर चोरी हो रहा है। ये हॉल जरूर चले गए, मैं कह रहा हूं मुझे पिस्तौल निकाल के लाके दे तू। अलमारी खोल, जो कुछ में मिलता बैग में भर के इस बच्चे को उस कमरे में छोड़ता हूँ। Thank you.
नफीसा, 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 सलमान आपने गोली की आवाज सुनी? हाँ मैं जाग ही रहा था, कहाँ से आई ये आवाज? तमन्ना भाभी के घर से आई आवाज, मैंने खुद देखा है, दो नकाबपोश उनके घर से भाग रहे थे। खुदा खैर करे। मैं जाके देख के आऊँ। क्या हो गया तुम्हें, गोली चली है वहाँ पे, कहाँ जा रही हो तुम? सलमान तमन्ना भाभी की चीखों की आवाजें आ रही है, मुझे जाना चाहिए। क्या? मैं आती हूँ अभी। ध्यान से। हाय मैं बर्बाद हो गई, मेरा एक ही सहारा था वो भी छीन गया। बकवास बंद कर कमबख्त, एम्बुलेंस को बुला। एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है काफिर इंसान, तूने अपने ही बेटे को मार दिया है, इस घर का चराग बुझा दिया है तूने अपनी काफिराना भूखों से। रयान, रयान। तमन्ना ऐसा मत बोल, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता मेरा रयान। मर गया है वो शाकिर अजीम, तेरा गरूर और मेरी किस्मत सब कुछ मिट्टी में मिल गया है, उजड़ गए हैं हम, बर्बाद हो गए। तेरी काली करतूतों की वजह से मेरी किस्मत में भी अंधेरे लिख दिए हैं, तूने मेरी गोद उजाड़ दी है शाकिर, बर्बाद कर दिया तूने मुझे। तमन्ना भाभी, तमन्ना भाभी, रयान, रयान, तमन्ना भाभी, मर गया नफीसा मेरा बेटा, रयान मर गया है, जरूर तुम्हारी बदवाने की है हमें। और तू भी गौर से मेरी आंखों में देख और सुन अपना फैसला, तू तबाह बर्बाद होगा, तेरी सारी फैक्ट्रियां गर्क होगी, आग लगेगी उसमें, तू भी औलाद होगा, तेरी अकड़ी हुई गर्दन की तरह तेरा घर भी जल के तबाह बर्बाद हो जाए, तुझ पे फालिश गिरे, तू सिसक सिसक के मौत की भीख मांगे और कोई तुझ पे रहम ना करे, तू तबाह बर्बाद हो जाए। बेटा रायान, रायान उठ मेरे बच्चे।